जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से पूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं उनको एफटी से न्याय मिल चुका है, लेकिन एमओडी और सेना से न्याय नहीं मिला। वो लो मेडिकल कैटेगरी होने से भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए एलएमसी के साथ, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी। लेकिन चाहे रिकॉर्ड ऑफिस हो, चाहे जो रिलीज मेडिकल बोर्ड या आईएमबी करने वाला हॉस्पिटल हो, चाहे पीसीडी हो, हमेशा यही सोचता है कि जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन ना मिले, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगी जाती है, जिसके बाद एक जवान को, जेसीओ को, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का रुख करना पड़ता है, वहाँ पे अपनी याचिका लगानी पड़ती है, और जब एफटी फैसला सुना देती है, इसके बावजूद एमओडी उस जवान को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देता है और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर कर देता है। पूरे देश भर में ऐसी हजारों अपील्स लग चुकी है और अब उनका रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका के ऊपर फैसला सुनाया और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए इस याचिका और अपील को खारिज कर दिया। देखिए, सेना में रहते हुए बीपी के शिकार अब मिलेगी पेंशन। हाई कोर्ट ने दिया फैसला, केंद्र सरकार की अपील खारिज। 2019 में एक जवान हुआ था रिटायरमेंट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ये खबर आई है। सेना में सेवा करते समय अगर कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 का शिकार हो जाता है तो उसे विकलांगता पेंशन का हकदार माना जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ भारत सरकार की अपील को खारिज कर दिया, यानी एफटी का फैसला आ गया जवान के हक में। इसके बावजूद भारत सरकार ने अपील दायर की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। एक जवान था जो 2002 में सेना में भर्ती हुआ था, जिसका नाम धीरज कुमार। इनकी ओर से इस संबंधी एफटी में याचिका दाखिल की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया था कि वे 2002 में सेना में शामिल हुए थे। नौकरी के दौरान वे स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए थे। इसके बाद सेना ने उन्हें 31 अक्टूबर 2019 को सेवामुक्त कर दिया, लेकिन पेंशन नहीं दी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी जंग जारी रखी। मेडिकल बोर्ड ने उनकी विकलांगता 30% मानी थी। सेना पेंशन देने को तैयार नहीं थी। धीरज ने इसके बाद विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन सरकार ने उसके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे हुई विकलांगता न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही उससे उसकी विकलांगता बड़ी थी, जिसे कहते हैं कि एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रीवेटेड बाई मिलिट्री सर्विस, दोनों ही नहीं थी। सेना के खिलाफ उन्होंने इस मुद्दे पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जंग लड़ी। और इससे दोस्तों, इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला है कि यदि कोई सेफ वन जवान भारतीय सेना में भर्ती होता है और किसी भी कारणवश, चाहे वह ऑन ड्यूटी हो, चाहे छुट्टी पर हो, कभी भी हो, कहीं भी हो, यदि उसको डिसेबिलिटी हो जाए, कोई शारीरिक क्षति हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन देनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक स्टैंडर्ड आदेश है। इसके बावजूद सरकार है जो याचिकाएं लगा रही है, जिसका परिणाम आपके सामने है, जहां पर फैसला उसके पक्ष में आया, यानी एफटी में जब याचिका लगाई तो फैसला जवान के पक्ष में आया, लेकिन सरकार उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन फैसला उसके ही पक्ष में आया। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, अपील को खारिज कर दिया, और फिर से फैसला जवान के हक में आया। अदालत में सुनवाई के दौरान सैनिक की तरफ से मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया गया। उसने बताया कि जब वह भर्ती हुआ था तो पूरी तरीके से तंदुरुस्त था, उसे यह बीमारी सेना सेवा काल में ही हुई है। दोस्तों, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है भारतीय सेना का, उसके कारण कोई भी जवान जैसी है उसको इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। वो एक सैनिक ही जान सकता है जो भारतीय सेना में सेवा कर रहा हो, कि वहाँ पे किस प्रकार की जो शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है।
जवानों की संख्या कम है, एक ही जवान को चार चार काम करने होते हैं, जिसकी वजह से जो टेंशन होता है उससे कई बीमारियां उसके शरीर को जकड़ सकती है, और ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को आते हैं। अब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ऐसे जवानों जिनको कोई बीपी हो गई है या कोई शुगर हो गया है, कोई दूसरी बीमारी हो गई है, उनको डिसेबिलिटी पेंशन देने से रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगा रही है। धीरज कुमार यानी इस जवान ने एफटी से जंग जीती, हाई कोर्ट से जंग जीती। अब हो सकता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाए, लेकिन वहाँ पर भी ही न्यायकर्ता ही बैठे हैं और जवान को न्याय अवश्य मिलेगा। इसलिए केंद्र सरकार से मैं अपील करता हूँ कि आप जब एफटी से एक जवान जीत चुका है, हाई कोर्ट से जीत चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं ना लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पहले से ही आदेश है कि ब्लड प्रेशर हो जाता है सेना सेवा काल के दौरान तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी, और उसी फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपकी जो अपील है उसको फिर से रिजेक्ट करेगा। इससे अच्छा ना जवान का समय बर्बाद करें, उसके पैसे बर्बाद ना करें, और अपने जो ऑफिस का असली काम है वो छोड़ के डिसेबिलिटी पेंशनर्स के खिलाफ इस प्रकार की साजिश ना करते हुए अब उस धीरज कुमार जो जवान है उसको डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए आप मंजूरी दे दें, और पीसीडीए और रिकॉर्ड ऑफिस को लिख दें कि हम एफटी से हार चुके हैं, हाई कोर्ट से हार चुके हैं, और अब इनको डिसेबिलिटी पेंशन देनी ही पड़ेगी। दोस्तों, देश भर में इस प्रकार की हाई बीपी के कारण कोई रिटायरमेंट होके आया है या कोई दूसरी बीमारी है, कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसके कारण एफटी फैसला जवानों के हक में सुना चुकी है, लेकिन जो भारत सरकार है, रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने अपील कर दी। वो सब अपीलें रिजेक्ट होने वाली है, क्योंकि उन प्रकार के जो भी फैसले हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश आ चुके हैं, हाई कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, पूरे देश भर में किसी भी एक न्यायालय द्वारा उस प्रकार के जो समान मामलों में यदि आदेश सुना दिया जाता है तो वो आगे हमेशा के लिए लागू होगा, और इस प्रकार के जो जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सख्त है। उनका कहना है कि जवान सेफ वन भर्ती हुआ है, उसके बाद में उसको यदि बीमारी हुई है, वो डिसेबल हुआ है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन देनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।